बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब तलाश रहे हैं तो आपके लिए है खुशखबरी। बैंकों में आ गई है नौकरियों की बहार। आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक में है बम्पर वैकेंसी। इन सभी बैंकों को चाहिए करीब 5000 प्रोफेशनल। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई। यूको बैंक में 1050 वैकेंसी। अगर आप बैंक में सीधे अफसर बनकर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए है बेहतरीन मौका। यूको बैंक को चाहिए 1050 प्रोबेशनरी अफसर। प्रोबेशनरी अफसर बनने के लिए आपको चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएट उम्मीदवार। जिनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच हो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 30 नवंबर 2010। ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1163 वैकेंसी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क के 1163 पदों के लिए दिया है विज्ञापन। अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच है तो आप 8 दिसंबर 2010 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट news24online.com पर जा सकते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में होगी 1105 क्लर्क की भर्तियां। जो उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास हैं और जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख है 25 नवंबर 2010। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। यूनियन बैंक ने 1922 पदों के लिए देश भर से मांगा है आवेदन। 1922 पदों में से 1165 पद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए हैं। अलग अलग पदों के लिए योग्यताएं और उम्र की सीमा भी अलग अलग है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 22 नवंबर 2010 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है news24online.com। कैसे होगा सिलेक्शन? सभी बैंकों में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले गुजरना होगा रिटर्न एग्जाम से। रिटर्न एग्जाम के बाद होगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। रिटर्न एग्जाम में आने वाले सभी सवाल जनरल नॉलेज, अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और मार्केटिंग एबिलिटी पर आधारित होंगे। बैंक परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। तो अगर बैंक की व्हाइट कॉलर जॉब है आपकी ड्रीम तो आज से ही शुरू कर दीजिए तैयारी और फटाफट कर दीजिए अप्लाई। अनीता चौधरी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, news24। मध्य प्रदेश में भर्ती होंगी 1613 नर्सें। सभी पदों के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। आवेदन करना चाहते हैं तो 4 दिसंबर 2010 से पहले कर सकते हैं आवेदन। अगर आप नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं अपना करियर तो आपके लिए है एक बेहतरीन खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टाफ नर्स के 1613 पदों के लिए देश भर से मांगा है आवेदन। कौन कर सकता है आवेदन? वो उम्मीदवार जिन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। कैसे करें आवेदन? अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखें news24online.com। उम्र की सीमा नर्स के 1613 पदों के लिए उम्र की सीमा है 18 से 45 साल। अंतिम तारीख पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म आप 4 दिसंबर 2010 तक भेज सकते हैं। आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1040 पदों के लिए दिया है विज्ञापन। आवेदन करना चाहते हैं तो आप news24online.com पर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 29 नवंबर 2010। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपका सपना तो इंडियन रेलवेज में है बेहतरीन अवसर। इंडियन रेलवे ने टेक्नीशियंस के 1040 पदों के लिए दिया है विज्ञापन। सभी पद स्पेशल रिक्रूटमेंट के तहत भरे जाएंगे। कौन कर सकता है आवेदन? 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट news24online.com पर जा सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? उम्मीदवार का चयन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। कैसे करें आवेदन? अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो news24online.com से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 29 नवंबर 2010। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com।